हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं राम आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। कल जो हमने क्विज की थी उसके आंसर्स मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। कुछ लोगों के डाउट्स थे इसमें, तो हमने क्लासिफिकेशन के क्वेश्चंस कल किए थे जिसमें हमें दिया हुआ है कि यहां पर आपको पहला जो क्वेश्चन आपका कि निम्नलिखित में से प्रत्येक प्रश्न में चार शब्द दिए गए जिसमें से तीन किसी तरह समान है और चौथा एक अलग है, विषम को चुने, यानी कि ऑड वन आउट वन। यानी कि चार ऑप्शन आपको दिए हैं उसमें से तीन तो किसी तरह सेम होंगे, एक अलग है, वो अलग कौन सा है वो अब आपको छांटना है। जैसे सबसे पहले दे रखा आपको जेब्रा, शेर, चीता, घोड़ा, तो इसमें से अलग क्या होगा? बिल्कुल इसमें से अलग क्या होगा? घोड़ा इसमें से अलग हो जाएगा, क्योंकि जेब्रा, शेर, चीता ये तीनों के तीनों जंगली जानवर हैं, घोड़ा जो है वो पालतू है और ये शाकाहारी भी है, ये भी कह सकते हैं। अगला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर सेकंड, सीमेंट, पेस्ट, ऑयल और गोंद, इसमें से आपको अलग निकालना है। देखिए, पेस्ट हो या सीमेंट हो या गोंद हो, ये सारे के सारे क्या है, किसी भी चीज़ को चिपकाने के काम में आते हैं, लेकिन ऑयल चिपकाने के काम में नहीं आता, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑयल हो जाएगा। तो तीसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, तीसरा क्वेश्चन, भैंस, बारहसिंगा, ऊंट, गेंडा, तो इसमें से अलग कौन सा होगा? इसमें ऊंट अलग होगा, क्योंकि ऊंट जो है, कैमल जो आपका, उसके सींग नहीं होते, बाकी सबके सींग होते हैं। क्वेश्चन नंबर फोर की ओर बढ़ते हैं, जिसमें चार ऑप्शन आपको दे रखे हैं, कमांडर, कमोडोर, ब्रिगेडियर, एडमिरल, तो इन चारों के चारों जो है ये पोस्ट है और ये रैंक है। ये रैंक किसमें है कि इसमें से कुछ नेवी की होंगी या कुछ एयरफोर्स की होंगी या फिर हो सकता है कुछ आर्मी की हों, तो यहाँ पर हमें दे दिया गया है कि ये सारी की सारी रैंक जो हैं, एडमिरल को छोड़कर बाकी सारी की सारी रैंक जो हैं किसकी हैं? एडमिरल भी नेवी की रैंक होती है, कमांडर भी नेवी की रैंक है, कमांडर भी नेवी की रैंक है, लेकिन ब्रिगेडियर जो आपका, ब्रिगेडियर आपकी आर्मी की पोस्ट होती है, तो यहाँ पर ब्रिगेडियर आपका अलग हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर पाँच की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर फाइव जो आपको दिया हुआ है, इसमें से आपको गेहूं, धान, ज्वार, सरसों ये दे रखे हैं, तो ये सारे के सारे भोज्य पदार्थ हैं सिवाय सरसों के छोड़ के, क्योंकि सरसों से ऑयल निकाला जाता है, बाकी सब खाने की चीज़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सिक्स जो है, तसांगपो, हजारीबाग, काना, बांदीपुर, तो ये जो है बांदीपुर हो, काना हो या हजारीबाग हो, ये सारे के सारे नेशनल पार्क हैं। तसांगपो जो है वो राष्ट्रीय नेशनल पार्क नहीं है, तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? ए। क्वेश्चन नंबर सेवन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर सेवन है आपका कोविड 19, आइसोलेटेड, सामाजिक भेद यानी सोशल डिस्टेंसिंग और क्वारंटीन, तो ये सारे के सारे देखिए अभी ये कोरोना वायरस चल रहा है, उसी के ऊपर मैं बीच बीच में एक आध क्वेश्चन बनाता रहता हूँ। आपको पिछले जो कोडिंग और डिकोडिंग दिए थे उसमें भी एक दो क्वेश्चन डाले थे। यहाँ पर देखिए कोविड 19 जो है ये एक वायरस है, बाकी सारे इससे बचने के उपाय हैं कि इससे किस तरीके से सेफ रहा जा सकता है, तो यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर एट, ये नरेंद्र मोदी, अटल बिहारी वाजपेयी, राजीव गांधी, मनमोहन सिंह, ये सारे के सारे जो है हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, और इसमें मैंने दो प्राइम मिनिस्टर कांग्रेस सरकार के रखे हुए हैं, दो ही बीजेपी सरकार के रखे हुए हैं, तो इसमें से एक अलग है, वो अलग आपको निकालना है। वैसे पहले जब मैंने ये क्वेश्चन बनाया था तो राजीव गांधी की जगह मैंने इंदिरा गांधी भी लिखा था, राजीव गांधी नहीं, तो इंदिरा गांधी लिखते तो वहाँ पर हम थोड़े से कंफ्यूज हो सकते थे कि इंदिरा गांधी भी आंसर हो सकता था, क्योंकि वो एक लेडी प्राइम मिनिस्टर है, फर्स्ट लेडी प्राइम मिनिस्टर, बाकी सारे मेल हैं, लेकिन यहाँ पर सारे के सारे मेल हैं, लेकिन यहाँ जो सबसे अलग जो कहलाएगा वो हो जाएगा हमारा अटल बिहारी वाजपेयी, क्योंकि अटल बिहारी वाजपेयी जो है ये आपका तीन बार प्राइम मिनिस्टर बना है, बाकी नरेंद्र मोदी अभी दो बार ही बने हैं, मनमोहन सिंह ऑलरेडी दो बार बन चुके हैं, राजीव गांधी भी बने हुए हैं, लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी भारत के सबसे ज़्यादा बार प्राइम मिनिस्टर बने हुए हैं, तो ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर नाइन, कि यहाँ पर आपको अलग निकालना, सारे के सारे मंथ दे रखे हैं, मार्च, मई, जुलाई, अगस्त, तो इसमें से अलग छांटना है आपको, अलग कौन सा होगा, तो यहाँ पर आपका अलग हो जाएगा, जैसे कि मार्च जो है, मार्च में 31 डेज होते हैं, मई जो है उसमें भी 31 होते हैं, जुलाई में भी 31 होते हैं, अगस्त में भी 31 होते हैं, सब में 31 के दिन होते हैं, तो इसके हिसाब से तो ये अलग हो नहीं रहा। दूसरा जो है यहाँ पर ये है कि मार्च जो है वो आपका थर्ड मंथ होता है, ठीक है, मई जो है वो आपका फिफ्थ मंथ होता है,
जुलाई जो है वो आपका कौन सा होता है, 7, और अगस्त जो है वो आपका 8वां महीने होता है। तो इसमें से अलग कौन सा हो जाएगा, 8 अलग हो जाएगा, क्योंकि ये इवन नंबर है, बाकी सारे के सारे ऑड नंबर है, इसलिए आपका आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, अगस्त आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 10, लाल किला, ताजमहल, जामा मस्जिद, बुलंद दरवाज़ा। तो ये जो है रेड फोर्ट, ताजमहल और जामा मस्जिद जो है, ये सब के सब जो है, ये तीनों के तीनों किसके शासनकाल में बने थे, ये तीनों के तीनों सांझा के शासनकाल में बने थे। बुलंद दरवाज़ा जो है, बुलंद दरवाज़ा अकबर ने बनवाया था, इसलिए ये आपका अलग हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 11 जो है, ये कोडिंग और डिकोडिंग के बेस पे स्टार्ट हो चुके हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 11 करते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 11 जो दे रखा है हमें, PQSU, इसमें से अलग छाटना है। तो इसमें से अलग कौन सा हो जाएगा 11 में, इसमें आपका देखिए PQ के बीच में क्या हो रहा है, PQ प्लस 1 हो रहा है, क्यू से एस में क्या हो रहा है, प्लस 2 हो रहा है, और एस से यू में भी क्या हो रहा है, प्लस 2 हो रहा है। तो सेम ऐसे ए से बी में प्लस 2 प्लस 1, बी से डी में प्लस 2, और ए सी ऑप्शन देख रहे हैं, डी से एफ में प्लस 2, और MN प्लस 1, NP प्लस 2 और PR प्लस 2। तो यहाँ पर जो है सबके बीच में यही सीरीज बन रही है, प्लस 1 प्लस 2 प्लस 2, लेकिन जो आपका दे रखा है कौन सा, ऑप्शन बी, इसमें ये नहीं है। देखिए बी से सी में एक प्लस है, लेकिन सी से क्यू में बहुत सारा गैप हो जाएगा, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, बी। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 12। तो क्वेश्चन नंबर 12 जो है, इसमें ए और वाई एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, बी और जेड, सॉरी ए और जेड एक दूसरे के अपोजिट हैं, और वैसे ही बी और वाई भी क्या हैं, एक दूसरे के अपोजिट हैं। सेम ऐसे अगर देखा जाएगा तो सी और एक्स एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, और आपका जो है डी और डब्लू, क्या डी और डब्लू एक दूसरे का अपोजिट होता है, डी और डब्लू ये एक दूसरे के अपोजिट नहीं होते, तो ये आपका आंसर हो गया सेकंड। ई से एफ देखिएगा एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, नहीं नहीं डी से डब्लू ये भी अपोजिट हो रहा है, तो ये आपका आंसर नहीं होगा। ई से एफ जो है, ई और एफ, क्या ई और एफ एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, सॉरी ई से वी देखेंगे हम, क्योंकि फर्स्ट और लास्ट जो है एक दूसरे का अपोजिट है, तो ई के अपोजिट वी होता है, फिर F के अपोजिट U ही होता है, तो ये भी अपोजिट है। G के अपोजिट H होता है, G के अपोजिट V होता है, H के अपोजिट T होता है, तो ये एक दूसरे के अपोजिट नहीं होते। बाकी तीनों जो हैं फर्स्ट, A, B और C एक दूसरे के अपोजिट है। क्वेश्चन नंबर 13 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 13 में देखिएगा, पहला जो है PRSU, उसके बाद देखिए SU, STU, VW, XY, तो प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2 हो रहा है, लेकिन पी क्यू आर प्लस 2 हो रहा है, आर एस प्लस 1 हो रहा है, तो यहाँ पर पहले प्लस 2 हुआ है, फिर प्लस 1 हुआ है, एस से यू, एस टी यू प्लस 2 हो रहा है, एच से जे प्लस 2, जे से एल प्लस 2, एल से एन प्लस 2, तो यहाँ पर बाकी समय प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2 हो रहा है, लेकिन फर्स्ट वाला जो है उसमें प्लस 2 प्लस 1 प्लस 2 हो रहा है, तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए अब, क्वेश्चन नंबर 14 हमें दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 14 में देखिए सबके अंदर क्या हो रहा है, माइनस 2 माइनस 2 माइनस 2 हो रहा है, तो वाइस से क्वेश्चन नंबर, जिससे कि ये आप देखेंगे माइनस 2 तो हो रहा है, लेकिन वाई और डब्लू, वाई और डब्लू में माइनस 2 हो रहा है, फिर डी से माइनस 2 करेंगे तो बी आ रहा है, सेम ऐसे ही जो आपका टी और आर, टी आर में माइनस 2 हो रहा है, क्या बिल्कुल हो रहा है, के से आई में माइनस 2 हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है, तो यहाँ पर देखिए क्यू एन, तो क्यू एन में माइनस 2 हो रहा है, क्या है ओ पी क्यू, नहीं यहाँ माइनस 3 हो गया है, और हमें यहाँ पर देखना जो था ये देखना था आपको, देखिए क्यू से ओ, क्योंकि हमें क्यू से ओ में माइनस 2 हो रहा है, क्या तो एम एन ओ पी क्यू, पी क्यू क्या हो रहा है माइनस 2 हो रहा है, एन से एम में माइनस 2 हो रहा है, नहीं हो रहा है, या माइनस 1 हो रहा है, तो इसलिए आपका आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 का जो आंसर जो है वो देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 में क्या हो रहा है कि ये जितने भी जोड़े हैं इन सब में क्या हो रहा है कि माइनस 2
प्लस फाइव माइनस टू, यही सीरीज चल रही है। आप देखिएगा बी को छोड़कर, बी में ये सीरीज नहीं चल रही, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 देखिए। क्वेश्चन नंबर 16 जो है इसमें देखिए सारे विपरीत अक्षरों के जोड़े हैं, सारे के सारे जो हैं यहाँ भी क्या हैं, विपरीत अक्षरों के जोड़े हैं। जैसे कि अगर हम देखते हैं सेम वही क्वेश्चन है, डी और डब्ल्यू जो है वो क्या एक दूसरे के अपोजिट होता है, बिल्कुल होता है। एच और एस एक दूसरे का अपोजिट है, बिल्कुल है। तो यहाँ पर यही देखना है, बी वाई अपोजिट है, डी डब्ल्यू अपोजिट है, सी डब्ल्यू अपोजिट नहीं होता, तो सी आपका आंसर हो गया, बाकी सारे एक दूसरे के अपोजिट है। 17 तो बड़ा आसान सा क्वेश्चन है कि यहाँ पर सब में क्या हो रहा है, प्लस फोर प्लस फोर प्लस फोर हो रहा है, क्या हो रहा है, प्लस फोर प्लस फोर प्लस फोर और प्लस फोर हो रहा है। तो प्लस फोर हो रहा है, तो देख लीजिए किसमें प्लस फोर नहीं हो रहा, तो ये जो लास्ट वाला है ऑप्शन डी, इसमें प्लस फोर नहीं हो रहा। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए। क्वेश्चन नंबर 18 भी जो है वही सीरीज है सेम, यहाँ भी, यहाँ जो है 18 में अगर देखा जाए तो क्या हो रहा है, पहले प्लस टू हो रहा है डी सी एफ में, फिर प्लस थ्री हो रहा है, फिर प्लस फोर हो रहा है, फिर प्लस फाइव हो रहा है, बढ़ते जा रहे हैं एक दूसरे के अकॉर्डिंग। और 18 जो है इसमें प्लस टू प्लस थ्री प्लस फोर प्लस फाइव नहीं हो रहा हो। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए। क्वेश्चन नंबर 19 में पी क्यू, कई बार इस टाइप के क्वेश्चन भी आ जाते हैं, तो ये भी ध्यान रखिएगा, पी क्यू ए यू सी डी आर बी, तो ये बी को छोड़कर बाकी सब में कोई भी वोवल नहीं है, बी के अंदर दोनों के दोनों वोवल है, तो ये कई बार कॉन्सोनेंट और वोवल के अकॉर्डिंग भी हो जाता है, क्योंकि और कोई रीज़न इसमें मिल नहीं रहा। लेकिन सेम ऐसे अगर क्वेश्चन नंबर 20 देखा जाएगा, तो क्वेश्चन नंबर 20 में भी क्या है, आई जो है वो वोवल है, बाकी कोई से भी वोवल नहीं है, तो ये इसका आंसर बी भी हो सकता है। लेकिन ये क्वेश्चन मैंने बनाया था, तो इसमें मैंने कुछ अलग रीज़न रखा था, जैसे डी जो आपका फोर्थ नंबर पर आता है, आई जो है वो आपका नाइन्थ नंबर पर आता है, पी जो है, पी किस पर आता है, 16 पर आता है, और Y जो है वो किस पे आता है, 25 पे आता है। तो 2 जो ये तो है आपका 2 का स्क्वायर है, ये आपका 3 का स्क्वायर है, ये आपका 4 का स्क्वायर है, ये आपका 5 के स्क्वायर पे आता है, बाकी सारे के सारे नंबर, इसको छोड़कर बाकी सारे के सारे जो हैं वो प्राइम नंबर के स्क्वायर हैं, सिर्फ यही प्राइम नंबर का स्क्वायर नहीं है, इसीलिए मैंने इसका आंसर जो रखा है, क्या रखा हुआ है, पी इसका आंसर रखा हुआ, तो सी इसका आंसर हो गया। वैसे इसका आंसर बी भी हो सकता है, बट ये डिपेंड करता है एग्जामिनर पे कि एग्जामिनर ने क्या सोच के क्वेश्चन बनाया था। और लेकिन इसका आंसर आपको जो है आई पे भी नंबर मिलेंगे, क्योंकि आई का भी तरीका सही है और पी वाला भी ठीक है, तो यहाँ पर बी और सी दोनों में आपको नंबर मिल जाएंगे। तो आज जो टॉपिक क्वेश्चन हम करेंगे उसके भी मैं आपको इसी तरीके से कुछ क्वेश्चंस बना के दूंगा, उसके बाद फिर उसकी वीडियो आपको मिल जाएगी। उम्मीद करता हूँ कि ये समझ में आए होंगे, क्योंकि कुछ स्टूडेंट के दो चार क्वेश्चन में ही डाउट थे।